जय हिंद साथियों। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में ये हम कर रहे थे रामबाण स्टैटिक जीके की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे हम कर रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने भारत के बांध, डैम, ये सारी चीज़ें की थी। उसके पहले वन्य जीव अभ्यारण्य किए थे और उसके पहले नदी वगैरह सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी। तो 6 लेक्चर हमने इसमें बनाए हैं, आज ये 7वां लेक्चर होगा और इसमें हम करेंगे माउंटेन। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को गंवाए हुए हम अपना जो तो लेक्चर चालू करते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके लिए तभी बेनिफिशियल है जब आप किसी बुक से या किसी टीचर की रेफरेंस से पढ़ रहे होंगे और साथ में ये प्रैक्टिस करने के लिए बेहतरीन बुक होगी, तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर क्या है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला ठंडी साइबेरियन हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकती है। तो कौन सी हो जाएगी, जो साइबेरियन है यानी जो रसिया तरफ से जो हवाएं आती हैं तो उसे कौन रोकती है, तो हिमालय रोकता है। कौन रोकता है, हिमालय रोकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा। ठीक है, आगे यदि हम देखें सेवराय पहाड़ियाँ और जवादी पहाड़ियाँ किस हिस्से में स्थित हैं, भारत के किस हिस्से में स्थित हैं, तो जो पूर्वी घाट है उसके दक्षिण पूर्वी हिस्से पर सेवराय एवं जवादी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे साथ है यहाँ पे, मेघालय की किन पहाड़ियों में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो गारो, खासी, जयंतिया जो तीन पहाड़ियाँ हैं उनमें से खासी में सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, जिसमें से विश्व का सबसे अधिक वर्षा क्षेत्र वाला स्थान मानसिनराम चेरापूंजी स्थित है। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, तो सैडल पीक है। कौन सी है, सैडल पीक है। इसकी ऊँचाई कितनी है, 732 मीटर है। कितने हैं, 732 मीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भीतरी हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है। भीतरी हिमालय यानी मुख्य हिमालय, ठीक है, जिसको ग्रेट हिमालय बोलते हैं, उसकी औसत ऊंचाई के बारे में बोल रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, 6000 मीटर के आसपास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से महाराष्ट्र में किस नाम से जाना जाता है, तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री के नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाटों को, किसको, पश्चिमी घाटों को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। जैसे हमारे इस तरीके से पश्चिमी घाट हैं, तो अभी इसमें से हमारी गोवा से एक अक्षांश रेखा जाती है इस तरीके से, तो इसको दो भागों में बांटती है, उत्तरी सह्याद्री और निम्न सह्याद्री, नीचे का सह्याद्री। ठीक है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री इस तरीके से जो हो तो इसको बांटती है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे यहाँ पर कि ग्रेट हिमालय की रेंज की अनुमानित लंबाई कितनी है, लगभग 2500 किलोमीटर, लगभग 2500 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है, लगभग 2500 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है किसके उत्तरी भाग को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, ऊपर वाले को उत्तरी सह्याद्री और नीचे वाले को दक्षिणी सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में, किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखना, धूपगढ़ कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, मध्य प्रदेश की। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कलसूबाई चोटी किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो कलसूबाई कहाँ पर हो जाएगी, महाराष्ट्र में। कहाँ पर हो जाएगी, महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला क्या है, तमिलनाडु की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, तो डोडाबेट्टा है। कहाँ पे, कौन सी है, डोडाबेट्टा है, जो नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। नीलगिरी कैसे हैं, इस तरफ जैसे कर्नाटक है और यहाँ पर तमिलनाडु है और इस जगह पर केरल है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों के जंक्शन में हमारा नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं और ये जो डोडाबेट्टा है तो नीलगिरी की पहाड़ियों का ही हिस्सा है और ये इस तरफ हमारे तमिलनाडु के हिस्से में स्थित है। ठीक है, आगे यदि हम देखेंगे तो यहाँ से फिर जो हमारा पश्चिमी घाट आता है तो पश्चिमी घाट और नीचे तरफ चला जाता है और इस जगह पर नीचे के हिस्से, निचले हिस्से में फिर पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी स्थित है, जो किस राज्य में पड़ेगी, केरल में पड़ेगी। किस राज्य में पड़ेगी, केरल में पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हिमालय की कंचनजंगा चोटी की ऊँचाई कितनी है, तो हिमालय की कंचनजंगा की ऊँचाई कितनी है, 8598 मीटर। कितने हैं, 8598 मीटर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है भारत में शिवालिक पर्वत श्रृंखला के सभी दूनों में सबसे बड़ा दून कौन सा है, तो देहरादून सबसे बड़ा दून हो जाएगा। ठीक है, हमने पिछले जो जियोग्राफी के लेक्चर लिए थे तो उसमें से देखा था कि दून और द्वार क्या है,
तो वो चीज़ आपको यहाँ से थोड़ा सा रिलेट करना है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। कौन सी है? कंचनजंगा, ठीक है। केटू गाडविन ऑस्टिन जो है तो भारत में स्थित नहीं है, ये कहाँ पर है? पीओके में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, ठीक है। और ये जो केटू है, तो ये केटू गाडविन ऑस्टिन है, ये ट्रांस हिमालय की सबसे ऊँची चोटी है। तो यदि पूछेगा कि हिमालय की सबसे ऊंची, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा ही बोलेंगे, क्योंकि जो ट्रांस हिमालय है तो उसको हिमालय में नहीं गिना जाता, ठीक है। आगे देखते हैं, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ की पहाड़ियां सबसे ऊंची चोटी हैं, ठीक है। धीनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो गुजरात में स्थित हैं। कहाँ पर हैं? गुजरात में स्थित हैं धीनोधर की पहाड़ियाँ। अगला यदि क्वेश्चन हम यहाँ पर देखें, तो अगला क्वेश्चन है, अचलगढ़ किस राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है? तो ये क्वेश्चन जो है तो काफ़ी हार्ड है जो है, तो क्योंकि ये तीसरी सबसे ऊंची चोटी पूछा है, तो इसलिए काफ़ी जो है तो ख़तरनाक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। यदि हम पहली, ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। यदि राजस्थान की पहली सबसे ऊँची चोटी पूछेगा तो गुरु शिखर हो जाती है। कौन सी हो जाती है? गुरु शिखर, जो अरावली पर्वतों में है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊँची चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर। और यहीं पे गुरु शिखर, यहीं पे माउंट आबू है, ठीक है, जहाँ पे जैन एक मंदिर है, जैन मंदिर, ठीक है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। आगे देखते हैं, देवमाली किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। कौन सा पर्वत धौली गंगा के निकट स्थित है? तो नंदा देवी पर्वत जो है तो धौली गंगा के निकट स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सा भारत और नेपाल के बीच में स्थित है? कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच में स्थित है? तो कंचनजंगा भारत और नेपाल के बीच में स्थित है। जो सिक्किम वाला जो कंचनजंगा है, तो भारत और नेपाल दोनों के बीच का है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अन्नपूर्णा चोटी हिमालय क्षेत्र से संबंधित है। तो अन्नपूर्णा जो चोटी है वो हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो नेपाल हिमालय से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शत्रुंजय पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है, ठीक है। ये जो नदियों के आधार पर जो विभाजन किया गया था सिंधु और सतलज के बीच में, फिर सतलज और काली के बीच में, काली और तिस्ता के बीच में, तिस्ता और दिहांग के बीच में, तो ये यहाँ से क्वेश्चन आया है, ठीक है। जैसे सिंधु और सतलज के बीच का जो हिमालय है तो उसको पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय बोलते हैं, फिर सतलज और काली के बीच का जो हिमालय है तो उसको क्या बोलते हैं? कुमायूं हिमालय बोलते हैं। और फिर काली और तिस्ता के बीच में जो हिमालय है तो उसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। और फिर तिस्ता और दिहांग के बीच में यानी ब्रह्मपुत्र के बीच में जो हमारा हिमालय है तो उसको असम हिमालय बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता और दिहांग, ठीक है। यहाँ पे ये असम हिमालय, यहाँ पर नेपाल हिमालय, यहाँ पर हमारा कुमायूं हिमालय, और यहाँ पर कश्मीर या पंजाब हिमालय, ठीक है। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा है हमारा नेपाल हिमालय, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, सतलज और काली के बीच के हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? कुमायूं के नाम से जाना जाता है। माउंट आबू हिल स्टेशन किस पर्वत श्रेणी में है? तो अरावली पर्वत श्रेणी में है। अरावली की सबसे ऊँची चोटी गुरु शिखर माउंट आबू में स्थित है, ठीक है। 1722 मीटर इसकी ऊँचाई है। सतपुड़ा पर्वत पर्यटन स्थल कहाँ पर है? तो सतपुड़ा पर्वत पर्यटन स्थल कहाँ पर हम मध्य प्रदेश में है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो अबोर, मिसमी, ये सब कहाँ पे हैं? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर हैं? अरुणाचल प्रदेश में। किस हिल स्टेशन को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, किंग ऑफ सतपुड़ा पंचमढ़ी। हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? तो महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? तो महान हिमालय। हमारे इधर से क्या हो, दूर पड़ेगा ना, महान हिमालय हमारे लिए क्या पड़ेगा? दूर पड़ेगा, इसलिए सुदूर उत्तरी पर्वतमाला बोल रहा है, ठीक है। उत्तर में है तो इसलिए महान हिमालय, ट्रांस हिमालय नहीं बोलना है। पालकोंडा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो पालकोंडा की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ किस राज्य में हैं? तो राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, दार्जिलिंग किस हिमालय के भाग में स्थित है? तो लघु हिमालय में स्थित है, ठीक है। ये जैसे इधर यहाँ पे देखेंगे हम, ये हमारा ट्रांस हिमालय, ये ट्रांस हिमालय, फिर ये ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, फिर इसके बाद ये क्या है? लघु हिमालय, और इसके बाद ये शिवालिक हिमालय।
तो इस वाले जो हो तो रेंज में जो लघु हिमालय है यहाँ पर दार्जिलिंग स्थित है, ठीक है। जो हमारा किस में है, पश्चिम बंगाल का जो हो तो हिस्सा है दार्जिलिंग। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन, किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है, तो काराकोरम को एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कांगटो है। कौन सी है, कांगटो है, कौन सी है, कांगटो। हिमालय की सबसे बाहरी परत कौन सी है, तो शिवालिक हिमालय। कौन सी, शिवालिक हिमालय, ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय को हिमालय का हिस्सा नहीं माना जाता। हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा हो जाएगी। पहली कौन सी हो जाएगी, माउंट एवरेस्ट, दूसरी केटू गाडविनास्टिन और तीसरी कंचनजंगा। माउंट केटू गाडविनास्टिन पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर है, 8611 मीटर है, ठीक है। और कंचनजंगा की कितनी थी, 8500 कुछ मीटर है, ठीक है। कार्बी आंगलोंग पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, तो कार्बी आंगलोंग पहाड़ियाँ असम में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं, असम में स्थित हैं। पितरुतला गल कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, तो श्रीलंका की है। कहाँ की है, श्रीलंका की है। कहाँ की है, श्रीलंका की है। कौन सी पश्चिमी घाट की सर्वोच्च शिखर है, तो अनाई मोड़ी है। किसका हिस्सा है, पश्चिमी घाट का है और किस राज्य में है, केरल में, ठीक है। सागरमाथा किसका नेपाली नाम है, तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। और तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, चामो लुगमा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाई मोड़ी हो जाएगी, जो केरल में है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, केटू गाडविनास्टिन हो जाएगी। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के किन राज्यों में है, कितने राज्यों में है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के 11 राज्यों में फैला हुआ है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, तो मेघालय में स्थित हैं। और इन्हीं खासी में, खासी पहाड़ियों में जो तो विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है, तो हिमालय हो जाएगा। और विश्व का सबसे पुराना पर्वत कौन सा हो जाएगा, तो अरावली हो जाएगा, ठीक है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर माउंट आबू में, ठीक है। जैन दिलवाड़ा मंदिर वहीं पर स्थित है। कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है, तो सियाचिन ग्लेशियर केटू गाडविनास्टिन के आसपास स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर जिसे विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल के नाम से भी जाना जाता है। साल्टोरो कांगड़ी चोटियाँ किस सीमा पर स्थित हैं, तो भारत पाकिस्तान की जो हो तो सीमा पर स्थित हैं। दुद्दा बेट्टा किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी 3 राज्यों में जंक्शन बनाता है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ठीक है। तो तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तिरची मीर है। और ये कहाँ पर है, पाकिस्तान की तरफ है। यह जो हिमालय का जो तो एक जैसे यहाँ से हमारा इस तरफ हिमालय और एक ब्रांच इस तरफ गई तिब्बत की तरफ, एक जो तो अफगानिस्तान की तरफ और एक जो तो यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ। और यहाँ पर पामीर की गांठ है, ठीक है। कौन सी है, पामीर की गांठ है। तो ये अपना हिमालय की तरफ इंडिया की तरफ, ये तिब्बत की तरफ, और ये जो हो तो अफगानिस्तान की तरफ, और ये जो हो तो पाकिस्तान की तरफ। तो यहाँ से इस तरीके से पामेर की गांठ से चारों दिशाओं में जो हो तो हिमालय की रेंज जाती हैं। आगे देखते हैं, हिमालय में धौलाधार पर्वत माला किसका एक भाग है, तो मध्य हिमालय का भाग है। धौलाधार पर्वत माला किसका भाग है, तो मध्य हिमालय का भाग है। हिमालय हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊँचाई लगभग कितने मीटर है, तो 6000 मीटर हो जाएगी मेन हिमालय की औसत ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हिमालय की ऊंची पर्वतमालाओं के पास घास के विशाल मैदान को बुग्याल कहा जाता है। बुग्याल कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कंचनजंगा भारत के किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, तो सिक्किम की हो जाएगी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को कहाँ जाने की आवश्यकता होती है, तो नेपाल जाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है, फोंग पुई जो हो तो पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। टैगोर पहाड़ियाँ झारखंड के किस जिले में स्थित हैं, तो रांची में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं, रांची में स्थित हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है, सतपुड़ा है, ठीक है। कौन सी श्रृंखला है, सतपुड़ा है। नर्मदा और ताप्ती के बीच में सतपुड़ा है। इस जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कि ये सतपुड़ा रेंज है, और यहाँ इस जगह से नर्मदा बहती है,
और ये अपनी सतपुड़ा रेंज है, और फिर यहाँ से ताप्ती नदी बहती है। तो इस तरीके से यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती के बीच में सतपुड़ा रेंज हो जाएगी। आराकामयोम हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है, कहाँ पर स्थित है? तो आराकामयोम म्यांमार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? म्यांमार में स्थित है। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू गाडविनाष्टिन है। माउंट आबू कौन सी पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित स्थित है? तो अरावली पर स्थित है। शिलांग किन पहाड़ियों पर स्थित है? तो खासी पहाड़ियों पर स्थित है। शिलांग क्या है? राजधानी है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे मेघालय की। उत्तरी अंडमान के उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक है। कौन सी है? सैडल पीक है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी हो जाएगी? कलसुबाई हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? कलसुबाई हो जाएगी। सह्याद्री पर्वतमाला भारत के किस राज्य से लेकर सुदूर दक्षिण भाग कन्याकुमारी तक फैला हुआ है? तो गुजरात। गुजरात में जो सह्याद्री पर्वतमाला भारत के किस राज्य से लेकर, तो गुजरात से लेकर के और कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो अनाईमुड़ी हो जाएगा, जो पश्चिमी घाट का हिस्सा है। अरावली पर्वत की उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? तो गुरु शिखर है। कौन सा है? गुरु शिखर है। माउंट सिनी ओलचू भारत के किस राज्य में स्थित है? तो माउंट सिनी ओलचू सिक्किम राज्य में स्थित है। किस राज्य में? सिक्किम राज्य में। गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? तो ऊँटी की है। किसकी? ऊँटी की। तो ये क्वेश्चन तो ऑप्शन से बनेगा, जो उसमें जो ऑप्शन दिए होंगे वहाँ से पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में स्थित कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम दुद्दा बेटा है? तो नीलगिरी में जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर स्थित जो चोटी है उसका नाम दुद्दा बेटा है। धौलाधर श्रृंखला कौन सी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है? तो लघु हिमालय के हिस्सा। देखिए कई बार क्वेश्चन ये पता नहीं कितनी बार रिपीट कर गए वही क्वेश्चन, ठीक है। किस भारतीय पर्वत चोटी की ऊँचाई सबसे कम है? तो मुकुट पर्वत। अब ये क्वेश्चन भी जो हो तो ऑप्शन से ही पता चलेगा। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ है। कौन सी है? धूपगढ़ है, जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है? तो तिब्बत में स्थित है। किस में स्थित है? तिब्बत में स्थित है। ये किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का है। तो ट्रांस हिमालय है तो उसकी चार श्रेणियाँ हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और यहाँ पर तिब्बत में जो आ जाता है तो कैलाश है। और ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये तीनों कहाँ पर हैं? हिमालय में, इंडिया में है। कहाँ पर है? इंडिया में। और जो इसका कैलाश वाला जो श्रेणी है वो कहाँ पर है? तिब्बत में। पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा है? तो असम का हिस्सा है। पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा है? तो असम का हिस्सा है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे बड़ा पर्वत किसकी सीमा पर स्थित है? तो भारत और नेपाल के बीच में स्थित है, जो कहाँ पर है? सिक्किम में है। और रॉकी पर्वत किस देश की सर्वोच्च चोटी है? तो उत्तरी अमेरिका की जो रॉकी पर्वत है वो वहाँ पर सर्वोच्च शिखर बनाती है, ठीक है। कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो राजस्थान में स्थित है। कुंभलगढ़ एक किला है, ठीक है, वहीं पर जो है तो पहाड़ियों में स्थित है कुंभलगढ़ का किला। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊँची चोटी है, यह सिक्किम के किस देश के साथ सीमा बनाती है? तो नेपाल के साथ सीमा बनाती है। माउंट गिरनार गुजरात के कौन से ज़िले में स्थित है? तो माउंट गिरनार जूनागढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जूनागढ़ में। जोग सोग चोटी किस राज्य में स्थित है? जोंग सोंग चोटी सिक्किम राज्य में स्थित है। जोंग सोंग चोटी सिक्किम राज्य में स्थित है। जोंग सोंग चोटी किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की धौलागिरी शिखर की ऊँचाई कितनी है? तो 8167 मीटर है। कौन सी पर्वत श्रृंखला होशंगाबाद में स्थित है? तो सतपुड़ा जो है तो होशंगाबाद के पास स्थित है, जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो नंदा देवी है। झुमरी तलाया तथा मंदार पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो झुमरी तलाया तथा मंदार पहाड़ियाँ झारखंड में स्थित हैं। किस जनपद में नंदा देवी शिखर स्थित है? चमोली जिला, उत्तराखंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिमालय की सबसे ऊँची चोटी भारत में कौन सी है? तो केटू गाडविनाष्टिन। कौन सी है? भारत में कौन सी है? केटू गाडविनाष्टिन। पूछेगा कि भारत में स्थित कौन सी है? तो वहाँ पे हो जाएगी कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। आराकामयोम कहाँ पर है? म्यांमार में है। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। सारामती पर्वत किस पर्वत श्रृंखला की सब सर्वोच्च चोटी है? तो नांगा पहाड़ियों की। नांगा पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो नागालैंड में है। नल मल्ला
पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, जो कहाँ स्थित है? तंजानिया, एक देश है तंजानिया में स्थित है किलिमंजारो चोटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ड्रकनसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। आप देखते हैं यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल की पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? पूर्वांचल यानी पूर्वी हिस्से, तो नागा, मिजो, पटाली और मणिपुरी, तो कौन सी हो जाएंगे? यदि पटाली को आपका पता भी नहीं है, लेकिन यदि तीन पता है, मणिपुर और नागा मिजो, तो ये तो पूर्व में ही है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा? पटाली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पटाली हो जाएगा। ठीक है, पाटली हो जाएगा। पाटली कौन सी? पाटली। हिमालय विशेषता का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो कुमायूं हिमालय सतलज और काली के नदियों के बीच का, तो ये बिल्कुल ठीक लिखा है। नेपाल हिमालय तिस्ता और दिहांग के बीच का, तिस्ता और दिहांग के बीच में, तो ये गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि तिस्ता और दिहांग के बीच में इसको बोला जाता है असम हिमालय। तो इसमें क्या पूछा था? कौन सा युग्म सही है? तो केवल एक सही होगा। कौन सा सही हो जाएगा? केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का प्रकार नहीं है? तो वलित पर्वत का प्रकार कौन सा हो जाए, कौन सा नहीं है? रायन घाटी। ये घाटी वैसे भी दिया है, तो घाटी से ही समझना। ठीक है, वैसे यहाँ पे रायन घाटी जो हो तो यहाँ पे क्या नहीं है, वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। वलित पर्वत का उदाहरण जैसे हिमालय है, तो हमारा कौन सा है? वलित पर्वत है। एंडीज, रॉकी, ये जो जितने भी पर्वत हैं बड़े बड़े, अल्पास, एंडीज, रॉकी और हिमालय, ये सब क्या हैं? फोल्डेड माउंटेन है, यानी वलित पर्वत हैं। वलित पर्वत यानी टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि जब दो प्लेटें जो हो तो टकराती हैं, तो एक प्लेट नीचे और एक प्लेट ऊपर चली जाती हैं, और इससे जो हो तो धीरे धीरे एक विशाल पर्वत का निर्माण होता है, उसे वलित पर्वत कहते हैं, मोड़दार पर्वत या फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं। हिमालय पर्वत को किस में विभाजित किया गया? तो हिमालय पर्वत में ये सह्याद्री तो आएगा ही नहीं, विंध्य भी नहीं आएगा, सह्याद्री भी नहीं आएगा, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर का। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो हिमालय की पर्वत चोटी कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? कंचनजंगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट तो है नहीं है, बाकी इसके अलावा तीसरे नंबर की है ये पूरे विश्व में, तो कंचनजंगा हो जाएगी। निम्नलिखित में से लघोत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी वर्णमाला कौन सी है? लघोत्तर हिमालय में कौन सी हो जाएगी? पीर पंजाल। कौन सी हो जाएगी? पीर पंजाल। लघोत्तर हिमालय मतलब लघु हिमालय की बात हो रही है। हिमालय पर्वत किस पर्वत के पर्वत का उदाहरण है? तो किस प्रकार के पर्वत का? तो कौन सा हो जाएगा? वलित पर्वत का उदाहरण हो जाएगा। कौन सा? वलित पर्वत का। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है, ये हमने देखा था। ठीक है, दोद्दा बेटा कहाँ पे हो जाएगा? ये हमारा तमिलनाडु में हो जाएगा। आगे देख, कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा इससे। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? तो काठमांडू घाटी, अरकू घाटी, भागीरथी घाटी, करेवास घाटी। तो अरकू घाटी। कौन सी घाटी? अरकू घाटी हमारी जो तो हिमालय में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलते हैं? तो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलेंगे? नीलगिरी की पहाड़ियों में। कहाँ पर मिलेंगे? नीलगिरी की पहाड़ियों में। लेकिन निम्नलिखित में से पश्चिमी कौन सी पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? तो पश्चिमी घाटों के लिए स्थानीय नाम कौन सी नहीं है? स्थानीय नाम नहीं है तो अन्नामलाई की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, सह्याद्री की पहाड़ी। महाराष्ट्र में सह्याद्री की पहाड़ी बोला जाता है, कर्नाटक में नीलगिरी की पहाड़ियाँ और केरल में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ बोला जाता है। ये जो इलायची की पहाड़ियाँ, तो इलायची की पहाड़ियाँ हमारे केरल में हैं और तमिलनाडु में नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा लद्दाख किसके बीच में स्थित है? तो लद्दाख किसके बीच में स्थित है यहाँ पे? तो काराकोरम श्रृंखला और जास्कर। काराकोरम हमने देखा था ट्रांस हिमालय के हिस्से, तो यहाँ पे कौन सा? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो काराकोरम और लद्दाख जास्कर, यहाँ से काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, यहाँ इसके बीच में कौन सा बसा है? तो हमारा लद्दाख बसा हुआ। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी? तो विंध्यन पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी?
विंध्यन पर्वत श्रेणी। देखिए पहले यहाँ पे विंध्यन पर्वत श्रेणी है, फिर इसके बाद हमारी यहाँ पे नर्मदा नदी ऐसे बहती है, फिर इसके बाद यहाँ पे सतपुड़ा है, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, और इसके बाद हमारी यहाँ पे ये ताप्ती नदी बहती है, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये जो विंध्यन पर्वत श्रेणी है ये हमारे उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं। तो अरावली के पहाड़ जो हैं तो भारत के सबसे पुराने पहाड़ हो जाएंगे, ठीक है। कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है, यहाँ पे ध्यान देना। जो अरावली हो तो विश्व की भी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। इस अब ये टूटने लगी है इसलिए अब इसको अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में रख दिया गया है, पहले ये भी फोल्डेड माउंटेन था। इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है, तो माउंट नाग टिब्बा जो है तो महान या हिमाद्री का शिखर नहीं है, ठीक है। भारत के उत्तर में तीन पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिण भाग बाहरी हिमालय, जिसे क्या बोलते हैं, शिवालिक रेंज बोलते हैं, शिवालिक रेंज भी कहा जाता है, क्या बोला जाता है, शिवालिक रेंज कहा जाता है। तीन पर्वतीय क्षेत्र हैं, ये ग्रेट हिमालय, ये मध्य हिमालय, तो ये लास्ट वाले को क्या बोलेंगे, शिवालिक रेंज बोला जाता है, वही पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। आगे क्या निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में इसकी तीन समांतर श्रेणियों में से एक नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, हिमाद्री हिमालय इसकी समांतर श्रेणियों में नहीं है। कौन सी श्रेणी हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में इसकी तीन समांतर श्रेणियों में से एक नहीं है, तो हिमाद्री हिमालय नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे अरावली पर्वत माला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो अरावली महाराष्ट्र से होकर के नहीं गुजरती है, बाकी ये राजस्थान में है ही, हरियाणा में भी है और गुजरात में भी है, ठीक है। गुजरात और यहाँ से लेकर के फिर राज्य, पहले गुजरात फिर राजस्थान और इस तरफ हरियाणा, और इसका विस्तार इवन यहाँ तक दिल्ली तक है, जहाँ पे राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ी है, वहाँ पे वो राष्ट्रपति भवन उसी पर स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, पटकाई बूम पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं, तो पटकाई बूम भारत के पूर्वी भाग में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं, पूर्वी भाग में। कामेत नामचा परवा गुरला माध्यता निम्न में से किसके नाम हैं, तो ये किसके नाम है, हिमालय की पर्वत चोटियों के नाम है, हिमालय की पर्वत चोटियों के नाम है कामेत नामचा परवा और गुरला माध्यता, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित हैं, तो अनंतगिरी पहाड़ियों में बोरा गुफाएं स्थित हैं, अनंतगिरी पहाड़ियों में बोरा गुफाएं स्थित हैं। वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरीके से भारत में स्थित है, तो कौन सा हो जाएगा, कंचनजंगा, कौन सा हो जाएगा, कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी में से महेंद्रगिरी चोटी है, तो महेंद्रगिरी कौन सी हो जाएगी, जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ यह भारत के पश्चिमी घाट में स्थित हैं, नीलगिरी की बिल्कुल ठीक लिखा है। इन पहाड़ियों में पर बड़े पैमाने पर चाय और काफ़ी उगाई जाती है, बिल्कुल ठीक लिखा है। यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है, तो नीलगिरी जो है, तो नीलगिरी कर्नाटक का पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, ये कहाँ का पहाड़ी क्षेत्र है, तो केरल पे है, कहाँ पे, केरल पे। दोद्दा बेटा इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, तो दोद्दा बेटा माफ़ करिएगा, यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया कि जो नीलगिरी है, तो नीलगिरी कर्नाटक में नहीं, कहाँ पर है, तमिलनाडु में, कहाँ पर है, तमिलनाडु में, इसमें है तमिलनाडु में, ठीक है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोद्दा बेटा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ किस आम किस्म के लिए प्रसिद्ध हैं, तो गुजरात में जूनागढ़ की जो पहाड़ियाँ वहाँ पर केसर नाम का आम का फल उगता है, ठीक है, उसके लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, तो उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को पूर्वांचल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पूर्वांचल कहा जाता है। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणी में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, तो पूर्वी पीर पंजाल को अटल टनल पार करती है। अगला क्वेश्चन है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी हैं, सटी पहाड़ियाँ हैं, तो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी हो जाएगी, कार्डामम की पहाड़ियाँ या
इलायची की पहाड़ियाँ, कार्डमम की पहाड़ियाँ या इलायची की पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो गिरनार की पहाड़ियों पर चाय बागान नहीं है, गिरनार की पहाड़ियों पर चाय बागान नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे बटेश्वर, यहाँ पे मिलान करना है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चिंधोसी पहाड़ियाँ, मणिपुर, बटेश्वर, बिलारी। यहाँ पे देखते हैं जो डी है, धौसी पहाड़ी, धौसी पहाड़ी तो ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और इसके बाद यहाँ पे जो बिलारी पहाड़ी है तो ये कहाँ पर है? यूपी में, कहाँ पर है? यूपी में। और चिन पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? मणिपुर में। और बटेश्वर पहाड़ियाँ कहाँ पर हो जाएंगी? हरियाणा में, ठीक है। बटेश्वर पहाड़ियाँ कहाँ पर हो जाएंगी? माफ़ करिएगा, यहाँ पर ए नंबर का तीन से मिलान किए गए हैं, ए नंबर का तीन से। बटेश्वर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में, बटेश्वर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में, और बिलारी पहाड़ियाँ उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर जो चिन पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर? मणिपुर में। और इसके बाद डी जो है ये धौसी पहाड़ियाँ तो हरियाणा में, ठीक है। इस प्रकार से है, मुझे भूल रहा था ये। आगे देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से भारत के राज्य व उनकी चोटी का सही चयन कीजिए। तो तमिलनाडु, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी इसने गुरु शिखर बता रखा तो ये गलत है। राजस्थान में दुद्धा बेट्टा तो ये भी गलत है। मध्य प्रदेश में नीलगिरी तो ये भी गलत है। नागालैंड में सारामती, यही बचा तो यही सही हो जाएगा। किस राज्य में पंचमढ़ी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो किस राज्य में पंचमढ़ी? मध्य प्रदेश में स्थित हैं पंचमढ़ी पहाड़ियाँ, ठीक है। तो ये आज हमारा पूरा जो तो लेक्चर ख़त्म हुआ, जो यहाँ पे हमारा पर्वतों से रिलेटेड था, और इसमें हमने सारे क्वेश्चन किए, प्रीवियस ईयर किए, और ये रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा जो हो तो बुक है, और इसमें प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बुक है। जो हो तो सीधी बात तो यही है इसमें से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम नया टॉपिक लेकर के आएंगे और उसमें से उसके पूरे प्रीवियस ईयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद। और यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है, सही लगता है, तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, और आपको अपनी डिमांड रखनी है कि और हम किस जो हो तो कंटेंट पे वीडियो बनाएं, ठीक है। तो जय हिंद।